समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। एक वक्त था जब अमर सिंह को मुलायम का दाहिना हाथ माना जाता था। अमर सिंह अपने शायराने अंदाज के लिए भी सियासी गलियारों में खूब महफिल लूटते थे। अमर सिंह को भारतीय राजनीति में शायद एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जो विवादित होकर भी अपनी प्रासंगिकता कुछ हद तक बनाए हुए थे। 27 जुलाई 1956 को अलीगढ़ में जन्मे अमर सिंह ने स्नातक की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से की। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। नवंबर 1996 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। उनकी चर्चा तब सबसे ज्यादा हुई थी जब 2008 में मनमोहन सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने की बहस के दौरान भाजपा के 3 सांसदों ने संसद में 1 करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां दिखाई थी। सांसदों ने आरोप लगाया कि मनमोहन सरकार ने अमर सिंह के माध्यम से उनके वोट खरीदने की कोशिश की थी। 6 सितंबर 2011 को अमर सिंह भाजपा के 2 सांसदों के साथ तिहाड़ जेल भेजे गए। कैश फॉर वोट कांड में अमर सिंह को जेल की हवा भी खानी पड़ी। बहुत लोग अमर सिंह को एक ऐसे आदमी के रूप में भी जानते हैं जिसने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त में खूब साथ दिया। बाद में अमिताभ के साथ उनके रिश्ते समंदर की लहरों की तरह ऊपर नीचे होते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब अमर सिंह की जिंदगी में न समाजवादी पार्टी थी और न ही अमिताभ बच्चन, लेकिन अमर सिंह रुकने वाले कहां थे। राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी नामक खुद की पार्टी बनाई। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकमंच के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी भी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमर सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हारे गए। एक वक्त राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन मूड बदला और वापस आ गए। अमर सिंह की कहानी राजनीति में जैसी भी रही हो, इसे उन्होंने खुद बनाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि उनके पिता ताले बनाने का एक छोटा सा कारोबार चलाते थे। जब अमर महज 6 साल के थे, उनका परिवार कोलकाता के बड़ा बाजार में जाकर बस गया था। अमर सिंह के मुताबिक सबसे पहले उनके पिता ने ही उन पर संदेह किया था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा सेंट जेवियर से अब प्रेसिडेंसी सरीखे अच्छे कॉलेज में दाखिले की सोच कर अपनी अहमियत को कुछ ज्यादा ही आंक रहा है। सच मायनों में देखा जाए तो अमर सिंह बनने की पूरी कहानी सेंट जेवियर्स के आसपास ही घूमती है। सेंट जेवियर्स में उनकी मुलाकात उस वक्त कांग्रेस के एक नेता सुब्रत मुखर्जी और प्रिय रंजन दास मुंशी से हुई, जो बाद में राज्य पार्टी अध्यक्ष बने। अमर सिंह इनके करीब आ गए, लेकिन बंगाल की सियासत उन्हें जमी नहीं। बाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और माधव राव सिंधिया से हुई। राजनीति में यही से अमर सिंह की निकल पड़ी। 1990 और 1991 के बीच कई महीनों में वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भी करीब रहे। चुनाव अभियान चलाने और स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट बांटने का पहला मौका उन्हें सिंधिया ने ग्वालियर में दिया था। अमर खुद भी यूपी की सरहद से लगे भिंड से टिकट की कतार में थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि मुलायम सिंह से उनकी नजदीकी काम आएगी, लेकिन सिंधिया और अर्जुन सिंह के बीच लड़ाई के कारण उनका टिकट कट गया। कहा जाता है कि अमर सिंह ने चुनाव प्रचार के लिए जीप का ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए किसे पता। इस बात को धीरे धीरे अमर सिंह भी समझने लगे और सियासत को नए तरीके से करने लगे और फिर मुलायम के साथ आ गए। अक्सर वो कहा करते थे कि मुलायम मेरे दिल में बसते हैं, पार्टी में रहूं या ना रहूं, वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। अमर सिंह जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह ही वो शख्स थे जिसने ग्लैमर का तड़का लगाया था। उनके बढ़ते कद को देखते हुए आजम ने पार्टी छोड़ दी थी। चचा राम गोपाल से अक्सर उनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन फिर वे मुलायम के करीब आए। नेताजी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर जतला दिया कि अमर सिंह सपा के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मुलायम के लिए बहुत खास थे।